अनदर न्यू भिडियो. वैसे तो मैं नेपाली ब्लगर हूँ, लेकिन आज आप लोग के लिए ऐसे वाला होमस्टे का वीडियो शेयर कर रहा हूँ जहाँ चारों तरफ व्यू देखने को मिलता है. इधर में बहुत सारा माउंटेन रेंज भी देखने को मिलता है सुबह सुबह, और कभी कभी तो दिन में भी बहुत अच्छा दिखता है. होमस्टे का रूम कुछ ऐसे तरह का देखने को मिलेगा बाहर से. सो सबसे पहले दवाई पानी व्यू पॉइंट होमस्टे ओनर के साथ बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ये सारा रूम. बने रहे इस वीडियो में. नमस्ते, मेरा नाम जंगू थापा, दवाईपानी व्यू पॉइंट होम स्टे का ऑनर. दवाईपानी घूमने के लिए आई, और नीचे में एक मोनेस्ट्री भी बन रहे हैं, और आस्ते आस्ते यहाँ भी थोड़ा डेवलप होते जा रहा है. और दवाईपानी में आने के लिए सिलीगुड़ी से भी गाड़ी, मतलब हम होम स्टे की तरफ से भी प्रोवाइड कर सकता है. इसलिए यहाँ पे आके सब गेस्ट लोग पूछता है दवाईपानी कैसा नाम रखा है. एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था, उतना तो हमें भी पता नहीं है. हमारा जो बुजुर्ग यहाँ पे, मतलब 100-150 साल जो पहले रहा था ब्रिटिश के टाइम में, उस समय यहाँ पे ब्रिटिश था. ब्रिटिश का एक घाव सा आ गया था, मतलब एक एलर्जी सा शरीर में आया था. उस शरीर में एलर्जी की वजह से उसने बहुत सारा ट्रीटमेंट किया. करने के बाद वो उसका ठीक नहीं हुआ. फिर बाद में वो यहाँ पर आया. यहाँ पर आके नीचे दवाई पानी एक, मतलब एक जो वाटरफॉल से हमारा वहाँ पे गया था वो घूमने के लिए. जैसा ही अभी उस समय तो अभी घोड़ा वोड़ा का चलन था, अभी तो गाड़ी वाड़ी जाता है. लेकिन वहाँ पे जो दवाई पानी, मतलब वो पानी में जाने से थोड़ा हमारा, हमको भी टाइम लगता है, जो गेस्ट आएगा उसको भी थोड़ा टाइम लगता है, पैदल जाना पड़ता है. लेकिन वहाँ पर जाके उसने जोड़ उसका जो शरीर में एलर्जी घाव सा पूरा हुआ था उसको वहाँ पर धोया. धोने के बाद 2-3 दिन में उसको मैसेज हुआ तो उसका घाव ठीक होने लगा. तो उसी कारण से उसने एक बार किया, उसके बाद थोड़ा उसको रिलैक्स फील हुआ, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे भी करके वो उसने धोया. और 2-3 दिन बाद वो वहाँ पे जाके धोने के बाद वो उसका घाव इतना क्लियर हो गया, तब से ये यहाँ का नाम रखा है दवाई पानी. एक इम्पोर्टेंट मैसेज में, हम जो भी है गेस्ट, जो भी दार्जिलिंग पहाड़ में हिल्स एरिया में जो भी गेस्ट गाड़ी लेके आता है, उसको मैं स्पेशली एक मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसा प्लेन साइट में जो जैसा गाड़ी चलता है, पहाड़ में वैसा पॉसिबल नहीं है. उसी कारण से ज़्यादा यहाँ पे एक्सीडेंट होता है. गाड़ी धीरे से चलाइए, जैसा प्लेन्स में स्पीड चलाता है. दार्जिलिंग मतलब कोई भी हिल्स इलाका में थोड़ा आस्ते चलाए, धीमे से चलाए. एक हमारा अभी दवाई पानी में एक हमने एक सोचा है प्लान, जो भी गेस्ट घूमने के लिए आता है, जो यहाँ पे जो देखने के लिए तो है लेकिन दूर दूर का देखना उतना पॉसिबल नहीं होने की वजह से, हमने एक मतलब एक डिसीजन लिया. और ये अक्टूबर से हमारा एक ये टेलीस्कोप बैटर है, और 7 पॉइंट हम दिखाएंगे. 7 पॉइंट का हम 100 रुपीज लेने का एक मतलब एक डिस्कशन कर रहे हैं. सबसे पहले लोकेशन एकदम ब्यूटीफुल है. यहाँ पर आप लोग को दवाई पानी का गांव भी देखने को मिलेगा, और रोड साइड में ये होम स्टे है. एकदम सुविधा है आप लोग को लिए आने जाने में. सो सबसे पहले रूम नंबर 1 से शुरू करते हैं. चलते हैं अंदर, और
कुछ इस तरह का आप लोग को रूम का व्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दो बेड देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर दो चेयर और एक टेबल भी दिया है। और यहाँ का विंडो से कुछ इस तरह का दवाई पानी का गांव का व्यू मिलेगा। और जब आप लोग सुबह उठते हैं उस टाइम यहाँ से पूरा कंचनजंगा रेंज देखने को मिलेगा, सिक्किम देखने को मिलेगा, और इधर में दार्जिलिंग बाजार देखने को मिलेगा। अब ले चलते हैं आप लोग को वॉशरूम, बहुत साफ सुथरा वॉशरूम आप लोग को देखने को मिलेगा। पानी गर्म करने के लिए भी ग्रीजर भी दिया है और मिरर दिया है, सब कुछ आप लोग को कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा रूम नंबर वन। सो गाइस, अब ले चलते हैं आप लोग को रूम नंबर दो में। और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है सुबह सुबह कंचनजंगा एकदम अच्छा तरह से। अब ले चलते हैं आप लोग को रूम नंबर दो पर। और यहाँ पर भी कुछ इस तरह का रूम का व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी दो बेड देखने को मिलेगा आप लोग को, और यहाँ पर दो चेयर दिया है और मिरर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर दवा पानी व्यू पॉइंट होम स्टे का मेन्यू भी दिया है। इस रूम से भी आप लोग को कंचनजंगा रेंज पूरा देखने को मिलेगा। और अब ले चलते हैं आप लोग को वॉशरूम के तरफ। यहाँ पर भी कुछ ऐसे तरह का साफ सुथरा वॉशरूम देखने को मिलेगा, और पानी गर्म करने के लिए ग्रीजर और साथ में ये मिरर और बेसिन भी देखने को मिलेगा। सो गाइस, दो रूम हो गया। अब लास्ट रूम तीन नंबर में, रूम का व्यू कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक सिंगल बेड, और इधर में आप लोग के लिए रख दिया है दो चेयर और एक टेबल। स्पेशली ये रूम कपल्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर मिरर भी दिया है, और बैठने के लिए एक यहाँ पर भी चेयर दिया है। और सुबह सुबह आप लोग उठते हैं उस टाइम यहीं से कंचनजंगा का व्यू एकदम बढ़िया देखने को मिलेगा, और आप लोग टेरेस में जाकर भी देख सकते हैं। इस रूम में भी कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल वॉशरूम देखने को मिलेगा। सो गाइज, ये तो हो गया ऊपर का तीन रूम, और एक रूम नीचे में भी बाकी है, और ले चलते हैं आप लोग को उस रूम में भी। और बाहर में यहाँ पर एक और दो इस होम स्टे का मेंबर भी देखने को मिलेगा। अब ले चलते हैं आप लोग को नीचे के रूम। और आप लोग को नीचे आने से सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा डाइनिंग रूम कुछ इस तरह का, किचन, ये हो गया रूम का व्यू कुछ इस तरह का। ये भी सिंगल बेड के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा कपल्स के लिए, और सिंगल रहने के लिए बहुत अच्छा रूम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी टेबल दिया है, और बैठने के लिए चेयर भी दिया है, और मिरर दिया है। और उसके बाद इधर में बहुत साफ सुथरा वॉशरूम देखने को मिलेगा। सो गाइज, आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर रख दिया। বহরমপুর মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছি, আমাদের খুব ভালো লেগেছে। আমরা ইউটিউবে দেখে এখানে বুক করেছিলাম, কিন্তু যতটা ভাবা গিয়েছিল তার থেকে বেশি আমরা আরও ভালো। এখানকার সব কিছু, এদের ব্যবহার ভীষণ ভালো, খুব ভালো লেগেছে। যখন যা বলেছি তাই পেয়েছি, বাচ্চা নিয়ে এসেছি, কোনো অসুবিধা হয়নি, বাচ্চার জন্য সব কিছু পেয়েছি। তো আমরা তিনটে ফ্যামিলি এসেছি এবং আমাদের তিনটে বাচ্চাও আছে, কিন্তু আমরা প্রথমে হয়তো ভয় পেয়েছিলাম যে খাবার দাবার কেমন হবে বাচ্চা নিয়ে, কিন্তু এদের একদম বাড়ির মতন খাওয়া দাওয়া, এবং এদের ব্যবহার, এদের অ্যারেঞ্জমেন্ট ভীষণই ভালো, এরা মানুষও ভীষণ ভালো। আর সব থেকে বড় কথা, এখানে থাকলে মনে হচ্ছে যেন বাড়িতেই আছি। প্লাস কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউটা এখান থেকে একদম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মানে এক দুদিনের জন্য যদি কেউ আসতে চায় আমি বলবো এটাই মানে আসা উচিত এখানে, এই হোমস্টেটা দাওয়াই পানি ভিউ পয়েন্ট হোমস্টে, এখানেই যেন সবাই আসে। নমস্কার। হসপিটালিটি হ্যায়
एंड आदमी सब अच्छा है, खाना अच्छा है और सबसे बढ़िया सामने का व्यू, पूरा घर घर में बैठ के रूम में बैठ के कंचनजंगा। होमस्टे खूब ही भालो, এখানকার অ্যাম্বিয়েন্সও খুব ভালো, ওনার খুব আমাদেরকে সাপোর্ট করেছেন সবসময়, আমরা যখন যা চেয়েছি সেটাই অ্যাভেলেবিলিটি উনি অ্যারেঞ্জ করিয়ে দিয়েছেন। আমরা রাত্রে এখানে বনফায়ারও করেছি, আমরা যে আটজনের গ্রুপ এসেছিলাম সকলে এখানে এসে খুবই খুশি, সবাই হ্যাপি হয়েছেন এখানে। The view is pretty nice, the place is also great, rest, the food, the hospitality, it's all great. দাদা আপনার নাম? সন্দীপ। বাড়ি? যাদবপুর, কলকাতা। কলকাতা দমদম থেকে? দমদম। দারুন ভিউ, টালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ। এই আমারা ভিউ, দাদা লোক কলকাতা সে আয়া হ্যাঁ, আজ দারুন ভিউ দেখনে কে মিলা, যে ইয়ে দিখ রা অভি স্লিপিং বুদ্ধা, রিফ্লেকশন দিখ রা ইয়ে গ্লাস মে, কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ কা। आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ सिनेमेटिक वीडियो और टाइम लैप्स। आप लोग भी यहाँ पर आकर ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो विजिट करना मत भूलिए, दवेपानी व्यू पॉइंट होम स्टे दार्जिलिंग।